गलत बोल रहा है। तुझे कई बार इसने मौका दिया है, जब तू अपने अंदर सुधार पैदा नहीं कर रहा है इसलिए इसने डिसीजन लिया है। जिंदगी भर ऐसी थोड़ी रहेगी भाई, वो शादी क्यों नहीं करेगी? तू शादी ना करने की धमकी क्यों दे रहा भाई? मतलब उसकी जिंदगी नहीं है, वो जिससे चाहेगी वो शादी करेगी। ये तो गुंडा कर दिया, जबरदस्ती दिया था ना कि हमारा सब कुछ खत्म, मेरे उसके साथ एंगेजमेंट हो चुके, हम लोग फियांसे हैं, ठीक है? उसमें भी तो बीच में क्यों आ रहा है? तुझे कितने बार समझाऊं मैं नहीं, इतने टाइम का रिलेशन, क्यों तुझे छोड़ा है, क्यों तुझे छोड़ा है? इधर बात कर ले भाई, इधर बात कर ले, उधर जाओ, 2 मिनट मेरे से बात बताओ, तेरे को 2 मिनट जा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मेरे पास एक कपल आए हुए हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन ये शादी नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत रीज़न ये है कि इनका जो बॉयफ्रेंड है वो शादी होने नहीं दे रहा है। वो बहुत ही बड़ा नशा करने वाला इंसान है और इसको परेशान करता है कि तुम शादी इससे भले ही कर लो लेकिन शादी के बाद मेरे साथ भी अफेयर रखना। तो कोई भी लड़की इस तरीके से नहीं निभा सकती है। किसी भी लड़की को ये आपत्ति हुआ कि मेरे शादी से पहले जो मेरी लाइफ थी वो अलग थी, शादी के बाद लड़कियों की लाइफ जो होती है वो अलग होती है। तो बहुत परेशान कर रहा है इन दोनों को, जान से मारने की धमकी दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा है। बोल रहा है कि जो मतलब बॉयफ्रेंड के साथ जो भी इनकी फ़ोटो और वीडियोज़ थी वो कहता है कि मैं शादी के बाद उसको लीक कर दूंगा, जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं फ़ोटोज़ हैं वो लीक कर दूंगा, प्यार मोहब्बत वाली बातें जो चैट है वो लीक कर दूंगा। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे और आज मेरे पास आए हुए, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो मैडम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या दिक्कत है। सर जैसे अब हम लोग, ये जो मेरे फियांसे हैं, ठीक है, तो पहले मैं रिलेशन में थी तो उसने मुझे इसको थोड़ा ऊपर अच्छा बोलो ना। हाँ। तो जैसे ये मेरे फियांसे हैं तो अब मेरी फैमिली ने इनके साथ शादी तय कर दी है। तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने पहले तो मुझे बोला था कि मैं काफ़ी अच्छे मतलब लेवल पे जॉब करता हूँ, तो पहले तो हम लोग जस्ट एक फ्रेंड की तरह हमारी जब जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, झूठ बोला मुझसे। जब मुझे बाद में उसको पता चला कि वो कोई जॉब वगैरह नहीं करता, इवन वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में है, तो ऐसे मैं अपनी लाइफ तो बर्बाद कर नहीं सकती ना उसके साथ शादी करके। तो मैंने उसको फिर भी एक चांस दिया कि कोई बात नहीं, मैं सारा सच जानने के बाद भी मैं शादी करूंगी तेरे से, बट ये काम छोड़ के कोई अच्छा अच्छी जगह जॉब कर ले, भले छोटी जॉब हो बट एक हम सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मैं सेटल हूँ वो भी सेटल हो जाएगा। तो उसने टाइम लिया बट उसके बाद भी मुझे पता चला कि वो नहीं सुधर रहा है और उल्टा वो मुझे अब धमकियां और दे रहा है कि मैं तो वही जो काम करता हूँ वही काम करूंगा और बाकी शादी तेरे से ही करूंगा। बट मेरी फैमिली ने फिर यहाँ शादी तय कर दी, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि मैं अब शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एक चांस देकर देख लिया, बट अब वो मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुम हम दोनों की फोटोज वायरल कर दूंगा, चैट्स वायरल कर दूंगा, क्योंकि उसने रखी हुई है अपने पास। तो मैंने अपनी फैमिली को ये चीज डिस्कस करी तो फैमिली ने बोला कि कोई बात नहीं उसको इग्नोर कर, इग्नोर किया। बट वो कुछ दिनों से मेरे घर के आगे पीछे घूम रहा है, अच्छा। कहीं भी जा रही तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, पीछे से बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बोलता है, कहीं भी रोक लेगा, परेशान करता है। इनको तो पहले नहीं करता था बट पता नहीं कहां से उसको इसका नंबर मिल गया, तो इनके घर का एड्रेस भी निकलवा लिया। अब इनको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर इसने मुझसे शादी करी। अच्छा, तो अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने आपका कहीं से पेज देखा कि आप लोगों की हेल्प करते हो, तो मैंने कहा एक बार आपसे मैं डिस्कस करके देखती हूं, क्योंकि पुलिस तक मेरी मम्मी जाने नहीं दे रही हैं, क्योंकि इससे फैमिली की काफी रेपुटेशन वगैरह। चलो टेंशन मत लो। हां दैट्स व्हाई मैं हां तुम्हें मतलब तुम इनसे प्यार करते हो? हाँ, मेरी फियांसे है, तो अब हमारी शादी होने वाली है। अब वो एक्स था, वो पहले का टाइम था। अब एक नंबर का नशेड़ी बंदा है, उससे बात भी हुई थी मेरी, नशेड़ी बंदा पीछे पड़ा हुआ है इसके हद से ज्यादा। अब ये भी ऑफिस जाते हैं, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, अब धमकियां दे रहा है, रस्ते में रोक लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कुछ भी हो सकता है कल को। तो इस चीज को लेकर थोड़ी ये चीज है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, और काफी अब काफी टाइम से धमकियां दे रहा है पीछे पड़ा हुआ इसके, कि मेरे से शादी कर रही है वो, ना कुछ करता है ना कुछ। अब तो हमारा रिश्ता हो गया ना, तो अब तो हम अपनी लाइफ देखेंगे आगे। सही बात, सही बात। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो मैं कहा इसको, इससे बात हुई है इससे मेरी, तो इसने बताया कि ऐसे ऐसे हम बात कर लेते हैं आपसे, आपका पेज है तो आप हेल्प करते हो। चलो टेंशन मत लो, शादी आप दोनों के 100% होगी और वो जितना भी दम है जो भी लगा ले, मैं कुछ चाहती हूं वो प्यार से, कोई नहीं, वो तुम्हें धमकी दे रहा है वीडियो वायरल करने की, चैट वायरल करने की, आज सामने कैमरा लगा हुआ है, उसे तुम यहाँ आने के लिए बोल दिया है ना, ठीक है, जब आएगा पहले आप दोनों उसको प्यार से समझाओ कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, बीच में कबाब में हड्डी मत बन, अगर मानता है प्यार से ठीक है, नहीं तो मैं खुद आके समझाऊंगा। प्लस पॉइंट ये है कि वीडियो भी बनी रही है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, जितना बड़ा भी वो डॉन है उसका जो डॉन पनी है ना वो आज निकल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे बैठो उससे आराम से बात करना। तो गैस देखो, इंसान का लाइफ है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो लड़का समझ नहीं रहा, इन दोनों की शादी होने नहीं दे रहा है, तो आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, वीडियो को स्किप मत करना, मिलते हैं वीडियो के एंड में, आए समझा के देखते हैं उसको। मैं ठीक हूँ, उधर रहियो भाई, क्या उधर हो? अरे तो तुम बैठ सकते हो ना उधर, क्या उधर हो जा मेरे भाई, भाई तू थोड़ा हल्का तो हो, क्या दिक्कत है तेरे को, तेरे को क्या दिक्कत है बता, तू किस लिए आया? शादी करनी है तेरे को,
क्यों नहीं करनी शादी भाई, रिश्ता पक्का हो उसके साथ मेरा। होना तू मेरी बात सुनो, समझ गया तो बंदी मेरी वाइफ है, होने वाली है, फ्योंसे है वो मेरी। तो यार तुम दोनों मेरी बात सुनोगे यार, लड़ना बंद करो पहले। क्या करेगा, लड़ना बंद करो दोनों, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें समझा चुकी हूं, बहुत देर से बात कर तू पहले का था ना, तो वो तो मेरी वाइफ है ना फिर। बेटा मुंह पे हाथ मत लगा। अच्छा फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरी। और तू ना सुन, प्यार से बात, मेरी बात बहुत प्यार सुन, मेरी बात हंसी में बात कर रहा हूँ, मेरी बात जब गुस्सा आ गया ना पता नहीं लगेगा क्या करेगा। तू चाहता क्या है, तुम लड़कियों से सुनो, जाता हूँ तू साइड हो, तू बीच में कहाँ से आ रहा है, दोनों सुनोगे मेरी बात। हमने इसको समझाने के लिए समझाते हैं, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं। क्यों लड़ रहे हो यार उससे, बात करते ना आराम से। बात हुई थी तेरी, सुन मेरी बात, क्या कर लेगा भाई बताना, वो बात सुनेगा तो जो करना मैं बता, मैं नहीं हूँ मेरी भाई कुछ पता हो, मना कर दिया है मैंने। जब वो ही नहीं मान, बार बार ये मत बोल कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मना कर दिया था ना कि हमारा सब कुछ खत्म, मेरे उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी, हम लोग फियांसे हैं ठीक है, उसमें भी तो बीच में क्यों आ रहा है, तुझे कितने बार समझाऊं मैं नहीं, इतने टाइम का रिलेशन, क्यों तुझे छोड़ा है, क्यों तुझे छोड़ा है, इधर बात कर ले भाई, इधर बात कर ले, डर जा वो 2 मिनट मेरे से बात बताऊं तेरे को, 2 मिनट डर जा, क्या करेगा, बात कर रहा हूं दिख नहीं रहा तेरे को, लड़ो मत यार तुम दोनों, डर जा 2 मिनट, लड़ मत, मैं इसको समझाती हूं, बहुत बार इसको समझा रही, लास्ट टाइम आज समझा रही, उसके बाद मैं इससे मिलूंगी तक नहीं, तुझे आज लास्ट टाइम क्यों बुलाया मैंने इधर समझाने के लिए, मतलब इतने टाइम का रिलेशन हमारा किसी काम, रिलेशन की तूने वैल्यू की है, कौन बॉयफ्रेंड ऐसा बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तेरी फोटोज वायरल कर दूंगा, कौन बॉयफ्रेंड बोलता है ये बता, अभी तक करी है क्या, तो अब क्यों बोल रहा है, अब क्यों बोल रहा है, करियो तो आराम से बात करते हैं, समझ गया, मेरे से कर लेना, वैसे आराम से बैठ जा, बैठ कर ले, मेरे से बात कर रहा हूं उससे, मेरे से कर ले, मेरे से आज मिला, सुन सनी सुन, मैं पहले से जानता ना, मैं अभी आया हूं, तू अभी आया तभी तो बोल रहा हूं, अभी आया तो मेरी फोन से लड़ो मत, तू अच्छा है, तू अभी है, मेरी फोन से है वो, समझ गया, अबे होगी पर, अब आया तू, मैं 10 साल आराम से, 10 साल पहले का बात, आराम से बात करते हैं, ठीक है, ये पब्लिक पार्क है, सब लोग देखेंगे, इधर ड्रामा होगा, हमें तमाशा नहीं कराना अपना, हमें तमाशा नहीं कराना, उसकी आदत है, हमें नहीं कराना, पता नहीं ढंग से बोल ले इसको, क्या था इसको ढंग से बोल ले इसको, वो ढंग से ही बात कर रहा है, तुम मत लड़ो ना यार, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, बात कर सकते ना आराम से, लड़े जा रहे हो तब से यार, मैं समझा रही हूँ ना, लड़ने से सोल्यूशन निकल जाएगा, तो मैं तुम्हें पहले ही कर लेती ना यार, चल तू समझा दे आराम से, क्या चाहते, सुन मैंने तेरे को मना कर दिया, मैं तेरे शादी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, वो रीजन मैं तुझे 2-3 बार बोल चुकी हूँ, तुझे मौका दिया था ना, क्यों नहीं सुधरा तू, बताना भाई एक चीज बताना, जब तेरे साथ वो रहना ही नहीं चाहती, तू जबरदस्ती क्या रहेगा, रहे जब तक रहे, मैंने क्या तुझसे डिस्कस किया था, कल को अगर हम अलग भी होते हैं, नहीं है कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे मौका दिया था ना, दिया था नहीं दिया था कि ठीक है तू अपने सारे गलत काम छोड़ दे, मैं तेरे साथ रहूंगी चाहे कैसे भी, तू चाहे छोटी सी जॉब करना स्टार्ट कर देता यार, तूने जॉब तो छोड़, कोई जॉब तक नहीं की, तुमसे झूठ तक बोला कि तू ये जॉब करता है, तुझे पता है ना मैं फैमिली कभी नहीं छोड़ सकती अपनी, इवन तुझे फैमिली से लड़, फैमिली से भी लड़ जाती तेरे लिए, अगर तू लायक तो बन मेरे, मेरे को पागल करना है ना, तू लायक तो बनता यार मेरे, पागल वाली बात नहीं है सनी, समझा कर, मैं नहीं कर सकती तेरे सब शादी, तो तू अपनी आदत क्यों नहीं छोड़ सकता था, तुझे कितना मौका दिया यार, मैंने तुझे बोला भी था मेरी फैमिली कहीं और कर देगी, तूने उस बात को भी सीरियस नहीं लिया, अब कर दे, अब क्यों सीरियस ले रहा है, अब खत्म है, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मेरी उसके साथ सगाई हो चुकी है और हमारे अगले महीने शादी भी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती उससे बकवास करने की जरूरत नहीं है सनी, उसको गलत बोलने की जरूरत नहीं, तो उसको क्यों धमकियां दे रहा है कि उसको मारेगा, प्यारा हो गया तेरे लिए ना, वो है डिजर्विंग यार, उसने रिस्पेक्ट किया मेरी, ठीक है, वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है यार, तू क्या कर रहा था ये बता, तूने आज तक ना तो टाइम दिया, ना वैल्यू की, ना कुछ किया, सबके सामने बदतमीजी से बात करता था, वो भी बर्दाश्त करती थी ना मैं, क्या क्या चीज नहीं बर्दाश्त करी तेरे साथ रह के, फिर भी तुझे इतने मौके दिए यार, तू नहीं बदला, अब मैं बदल चुकी हूँ, अब मैं उससे करूंगी शादी, ठीक है, मेरी फैमिली जहाँ मेरी शादी तय कर दी थी, मैंने तुझे बोला था, पागल करने वाली बात नहीं सनी, तुझे मैंने लास्ट क्या बोला था, मेरी फैमिली अगर तू नहीं सुधरा, मेरी फैमिली जहाँ तय कर देगी, मैं वहाँ चली जाऊंगी, अब मेरी फैमिली ने कर दी तय और मैं चली गई हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, समझा समझा के तंग आ गई हूँ, ठीक है, मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पे मजबूर मत कर, वो कुछ नहीं है, तूने उस टाइम की वैल्यू की क्या यार, ये बता, 2 दिन का क्या, तुझे खुद सोचना चाहिए था ना, तुझे मौका दिया था ना मैंने, कितने बार दिया, पर तूने कभी सीरियस लिया, अगर तू सच में रिलेशनशिप में सीरियस होता ना मेरे साथ शादी करने को, तू सब कुछ छोड़ देता गलत काम, तुझे पता था मुझे नहीं पसंद गलत काम, लेकिन तूने किए यार सनी, मैं नहीं कर सकती, मैं तुझे बोल दिया, और अब प्लीज माफ कर दे हम दोनों को, हम दोनों को इसी की शर्म करी हुई है तेरे लिए, समझ गया सनी, मैं तो क्या चाहती है बता दे, मैं तुझे मना कर रही हूँ, माफ कर दे मुझे, मैं इसके साथ रहूंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, ठीक है, रह लूंगी मैं रह लूंगी, रह लूंगा इस हिसाब से, तुम्हें बात करता है कि उठवा लूंगा, तुझे मरवा दूंगी, प्यार है तेरा, ये प्यार तो नहीं है तेरा, तो ऐसे करेगा तेरा वो हाल हो, अगर तू मजबूर करेगा फिर मैं करवा दूंगी, साफ बोल दे तुझे, मैंने तुम मेरे को पागल करना चाह रही है क्या, बकवास नहीं चाहिए मुझे सनी, ठीक है, क्या कर लेगा यार, गलत हो गया सनी, क्या कर लेगा तू, गलत क्या करेगा बीच में,
क्या करेगा तू? बट रहा बीच में बेफालतू में, वही चीजें करेगा ना, वही चीजें करेगा ना, वही चीजें करेगा ना, क्या करूंगा मैं, वही चीजें करेगा ना। अच्छा तो पता है फिर क्या, तो ये प्यार करता है क्या करेगा भाई? क्यों बेस्ट प्यार तो नहीं रहा तेरा? मुझे खुश रहने दे यार मेरी लाइफ में, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, ठीक है? और मैं अपनी फैमिली और उसके साथ बहुत खुश हूँ, तू अपना देख ले। अब ये खुश हो गया तेरे लिए सनी? मैंने सुन, इतनी मैं अब नहीं रह सकती, करने की जरूरत नहीं है, मैं दूर रहने की बात कर उससे, समझ गया? इसकी शर्म है, इसकी शर्म रखा है। बैठ चल के सोच रहा हूं, बैठ दो तेरी कर दे, समझाने के लिए बुलाया था यहां पे, लड़ने के लिए नहीं बुलाया था सनी, चल जा रहे हैं चुप करके, बड़े मत खाम का दूसरों से बकवास से कैसे बात कर रहा है? वो तुझसे तमीज से बात कर रहा है, तब से तू उससे बदतमीज से बात क्यों कर रहा है? शुरू किसने की? वो तुझसे बात कर रहा है तमीज से, तू मुझे उल्टा सीधा बोलेगा वो बर्दाश्त करेगा क्या? अच्छा वो मेरे को बोल ले, वो तेरे को सही लग रहा है? तू गलत है, इसने तेरे से नहीं करनी, इसने नहीं करनी, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं करनी, इतना गलत हो गया मैं, अबे अब बहुत हो गया, मैं कह रहा हूं बहुत हो गया, मैं कर रही, और अब मैं तुझे साफ बोल रही हूँ, अगर तूने अब मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, मैं कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, साफ बोल रही हूँ, बहुत देर हो गई, तू मैं यहीं जा ठीक है, अब तुझे जो करना है ना तू कर ले, अब मैं करूंगी, देख तू तू कर ले अपना, ठीक है निकल भाई तू जा, बहुत समझा लिया तेरे को आज मैंने, लास्ट तुझे प्यार से समझाने के लिए बोला तो देख लिया, तू नहीं समझेगा, तू कभी प्यार से नहीं समझ, क्या चाह रही है सनी? मैंने तुझे मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी शादी, बैठ के बात कर, जितना बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही बात, बैठ यहाँ पे, बैठ के बात कर, बैठ यहाँ पे, बोल क्या दिक्कत है भाई तुझे, तेरे को क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है, क्या हो गया? ये लड़की तुझसे जब प्यार नहीं करती है, तू जबरदस्ती शादी कर लेगा, तू जबरदस्ती कर लेगा, तेरा क्या मैटर है? जब ये दोनों शादी करना चाहते हैं तो तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है भाई? अरे भाई तेरा मैटर क्या दिक्कत है? नशा शादी करके अपनी हालत देख कैसे बना रखा है, और जबरदस्ती मतलब लड़की की फीलिंग कुछ माने नहीं रखती है, तू जबरदस्ती मतलब शादी करेगा किसी से? पता है क्या? मुझे पता है ना, क्या पता? जब लड़की तुझे मना कर रही है तो तू मान क्यों नहीं रहा? लड़की इससे शादी करना चाहती है, तुझसे शादी करना नहीं चाहती है, तो अपने अंदर की कमी देख ना, क्या कमी है तेरे अंदर, उल्टा इससे क्यों लड़ रहा है? इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है? ये दो दिन का आया हुआ, हाँ ये मेरे साथ 10 साल की, इसको अब कमी नजर आ रही है। अच्छा अब कमी नजर आ रही है तो 10 साल के, सुन सुन 10 साल के अंदर में तूने इसको क्या खुशी दी? अगर वो तुम्हारा मैटर क्या है यार? यार मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इन दोनों का दोस्त हूँ, आने से पहले वो खुश थी। अच्छा इसके आने से पहले खुश थी? गलत गलत बोल रहा है तू, कोई गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तुझे कई बार इसने मौका दिया है, जब तू अपने अंदर सुधार पैदा नहीं कर रहा है इसलिए इसने डिसीजन लिया है। जिंदगी भर ऐसी थोड़ी रहेगी भाई, वो शादी क्यों नहीं करेगी? तू शादी ना करने की धमकी क्यों दे रहा भाई? मतलब उसकी जिंदगी नहीं है, वो जिससे चाहेगी वो शादी करेगी, ये तो गुंडागर्दी है, जबरदस्ती है। तू कुछ कर लेता तो तू कर शादी? अगर तुझे इतना ही, सुन अगर तुझे इतना ही प्यार था इस लड़की से, जब तुझे इसने मौका दिया तब तू बन के कुछ कुछ बन के क्यों नहीं दिखाया? जॉब क्यों नहीं किया? बस नशे करके पड़ा रहता है, तो अपनी कमी देखना भाई पहले। अब यहाँ पे आ रहा है, इसके पे हाथ उठा रहा है, इसको मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है अलग से? तो भाई अब क्या मैटर चाह रहे हो तुम? मैटर ये चाह रहे हैं हम लोग कि ये दोनों जब शादी करने करना चाह रहे हैं तो इनको शादी करने दे, बीच में टांग मत अड़ा, अपनी जिंदगी खराब कर लूं मैं? क्या तेरी फैमिली है? तेरी तो ऑलरेडी खराब है। सुन एक काम कर, चल एक काम कर, तू लड़की से बुलवा दे, अगर ये लड़की बोल देती है कि हाँ तुझसे ये आज भी प्यार करती है, तू बोलता है ना 10 साल का प्यार है, अगर लड़की तुझसे प्यार करती है ये लड़का पीछे हटेगा अभी, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरी शादी करवाऊंगा। पता नहीं क्या सर में मार दिया, तेरी शादी को देखना नहीं चाह रही, 50 बार मना कर चुकी है, तेरी शादी इससे करवा दूंगा, लेकिन एक बार बुलवा दे। क्या कह रहा हूँ तुम मेरी बात? हाँ बोल। इसने पता नहीं क्या करा, 2 दिन में आ गया, वो तो मेरी शक्ल देखना नहीं चाह रही। इसने क्या कर दिया भाई? वो देख लो, तुम्हारे साथ ऐसे बात ही नहीं करती थी मेरे से कभी यार। मैडम आप बोलो, आप इसे सारी चीज को बता दी, इसको मौके तक दिए थे ना तुझे, तुझे सारे रीजन पता है, तुझे मौका दिया गया था फिर भी पूछ रहा है। अब तो इनके सामने मेरे को ब्लेम कर रही है ना? ब्लेम नहीं, तुझे मैं ब्लेम कर रही हूँ, तू खुद बता दे, तुझे मौके दिए थे नहीं दिए थे? 2 मिनट बैठ के क्लियर कर लो, पहले हटो भाई, साइड हो जा, बैठ क्लियर कर ले, हाँ क्लियर करो, आज क्लियर करो दोनों, अगर रहना चाहते हो तो, नहीं रहना चाहते हो तो, क्योंकि इसकी फिर जिंदगी, अगर तुम दोनों कुछ करोगे इसकी जिंदगी खराब होगी। भाई मेरे को नहीं पता, अगर मैं इसके साथ नहीं रहा तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, इतना मेरे को ये जबरदस्ती है। तू उस चीज को डिमोटिवेट क्यों हो रहा है? इसको अच्छे वे में लेना कि भाई तू नाकाम इंसान है, तू कामयाब होकर के दिखा, ये क्या इससे भी अच्छी लड़की तुझे मिलेगी लाइफ में? शादी के बाद भाई तू कौन सा खुश रख लेगा उसे? अच्छा तू शादी के बाद, अच्छा तू करता क्या ये बता मुझे पहले, तू क्या करता है, काम क्या करता है? कुछ नहीं काम करता। तो ठीक है, तू इससे प्यार करता है, कितने साल से कर रहा है? 10 साल से तू इससे प्यार करता है। ये लड़की अभी तेरा बीच में मुझे पता चला था, तेरे किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था।
मेरा फेयर प्रूफ के साथ देखे हैं मैंने। क्या प्रूफ देखे? सुन सुन सुन, चलो वो छोड़ दो। अब तुम ये लड़की सुन, ये लड़की तुझसे अगर शादी कर लेती है तू इसे कैसे रखेगा? तू तो कोई काम ही नहीं करता है, इसके खर्चे उठा पाएगा? की दुआ से कोई कमी नहीं है भाई, बाप माँ के दौलत में क्यों कूद रहा है भाई? लड़की दौलत में नहीं कमाता मैं, तो कहाँ से कमाता है? मेरे नाम है कि इतना मैं बहन से 7 जन्मों तक बिठा के खिला दूंगा। मतलब 10 साल में ये लड़की तुझे अच्छे से जान ही नहीं पाई, ढंग से जान ही नहीं पाई। 10 साल तेरे को दिए हैं, सही बात है। 10 साल के अंदर ना बहुत कुछ पता चला। 10 साल में एक इंसान बंदा बताने वाला होना चाहिए बाबू, कोई फायदा नहीं। तो तूने बताया ही नहीं। नहीं तो तूने बोल ना, तूने इसको बताया पीछे से लेके अभी तक बोल क्या काम करता है? तू बताना हां, मेरा आज का भरोसा नहीं, कल को तू कहीं भी चला जाएगा। ये बोल रहा है, नहीं सुनो सुनो सुनो, ये बोल रहा है कि इसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसको ही बेच-बेच के कब तक खा लेगा? अच्छा इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये फैमिली छोड़ के बैठा हुआ है अपनी। इसकी फैमिली ने भी इसे इसी रीजन से निकाला, मैंने फिर भी इसको किया। पूरा रिकॉर्ड सारी चीज मुझे 4 साल बाद पता चली, ऑफिस भी दिखाया। क्या सीन है भाई? तू देख भाई, पहले तो ओरिजिनल चीजें बता, क्या सीन है? अभी तू बोल रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है, काम करने की जरूरत नहीं। ये लड़की बोली तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे घर वाले तुझे पता ही नहीं, तो यही बोलेगी वो तो। तो भाई 10 साल में इसको कैसे नहीं पता चला? हर चीज थोड़ी बताने वाली होती है यार, माँ बाप के पैसे पे तू कुछ दिखा रहा है? नहीं माँ बाप के ना वैसे वाले पैसे, मुझे इज्जत की कमाई चाहिए, समझा? ऐसा कुछ तू कैसे काम करता, तुझे खुद को पता है? भाई सुन, नशे वशे कर, सुन भाई छोड़, खत्म कर मामला, इन दोनों को शादी करने दे, ठीक है? समझ रहा है तू? ठीक है फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के बाद इसको धमकी नहीं देगा। अच्छा। और ना इसको फोन करेगा। अच्छा। तू अगर सच में सच्चा प्यार इससे करता है ना, तू इसका नंबर ब्लॉक मार दे, तू इसका नंबर ब्लॉक मार दे आज। और तू अगर तेरे अंदर जरा सा भी शर्म है तो तू कुछ बन के, कामयाब इंसान बन के इसको दिखा, ठीक है? ठीक। समझ आ रही है बात? आज के बाद फिर परेशान करेगा? अब कोई फायदा नहीं है, आखिरी बार जो बात करनी है कर ले, कर ले आज के बाद। हाँ ये बाद में, हाँ लास्ट मौका है, तुझे जो बातें करनी है कर ले। और देख कोई भी चालाकी करेगा या तू कुछ भी करेगा या जो तू धमकी दे रहा है या पैसे का घमंड कर रहा है, तो देख हमारे पास आज प्रूफ है, सामने हम कैमरा लगा रखे, तो वो देख भाई यार इसको बंद कर। कैमरे से तुझे डर क्यों लग रहा है? डर क्यों है कैमरे से? इसको बंद कर, वो बंद नहीं होगा। तू सच्चा इंसान है ना, तू झूठ नहीं बोल रहा है ना, तो कैमरे पे डरने की क्या जरूरत है? तू बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे। यार तुम्हारे यहाँ लगी ड्रामे हो रहे, इसीलिए बुलाया था तूने मेरे को? हाँ इसीलिए बुलाया था भाई, तू धमकी क्यों दे रहा है इन्हें? इसलिए मैंने ये कर दिया, धमकी क्यों दे रहा है? क्या होगा भाई, अब क्या चाहते हो तुम ये बता दो। मैंने फाइनली बता दिया है, ये दोनों शादी करना चाहते हैं, इन दो इस लड़की की लाइफ से तू निकल जा, ठीक है? और कुछ? और कुछ नहीं है, ठीक है? परेशान कर, मेरा कोई मैटर नहीं है। दूसरी बात, हाँ फोटो जो सुन सुन फोटो, हाँ सुन ले पहले मेरी बात, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है? तू भी बहस मत कर, तू भी बहस मत कर, दो मिनट चुप कर जा, चलो रुक जा रुक जा। हाँ ठीक है, खोल फोन, खोल लॉक, खोल के फोन दिखाई, लड़की के हाथ में दे, लड़की को दे दे, लड़की के हाथ में फोन दे दे, लो फॉर्मेट मार दो फोन, ठीक है? आज के बाद क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, आज के बाद इसको तू परेशान नहीं करेगा, फॉर्मेट मार दो फोन, हो गया? ले भाई, ठीक है? आज के बाद ना तुझे ये फोन करेगी ना तू इसे करेगा। उड़ा दिया तूने तो यार, तूने मजबूर किया मुझे करने के लिए। सनी इसने मेरे पर्सनल नंबर भी उड़ा दिया। पर्सनल नंबर नहीं उड़ता है, आ जाएगा। अरे उड़ के यार कुछ नहीं, ठीक है भाई? जा अब तू जा सकता है। वैसे जो भी कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। कोई गलत नहीं किया है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है भाई। फिर बदतमीजी मत कर यहाँ पे, नहीं सुधरेगा कभी। छोड़ो सुनो, फोटोज तुम्हारी डिलीट हो गई, वीडियो डिलीट हो गई है, उसके बाद हमने वीडियो बनाई है, ये वीडियो प्रूफ के लिए रख लो और थाने में कंप्लेन इसके नाम का डलवा दो। हाँ कभी भी, हाँ नहीं सुधरेगा तो ये डलवा दो कम से कम। तो जैसे आपने समझा सकता है सुधर जाएगा। हाँ नहीं नहीं, अब वीडियो है ना, नहीं वीडियो से अच्छे अच्छे का ना दिमाग हिल जाता है। अब उसको ये बातें पता है कि हमारे पास प्रूफ है, वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा। तुम लोग आराम से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो कोई नहीं, थैंक यू सर, ठीक है? ठीक है चलो, थैंक यू, ओके। तो गाइस आप लोग वीडियो देख रहे थे, कमेंट करके बताओ, मतलब यार प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब तुम लड़कियों को ज़बरदस्ती लड़की से शादी करो। लड़की की मर्ज़ी होनी भी ज़रूरी है। अगर आपको लगा कि मैंने काम सही किया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।